वकांडा के एक्स सेनापति ओकियो तुम्हें याद है? तो इमेजिन करो अगर इसका मुकाबला अपने टोनी भैया से करवाया जाए तो आखिरकार दोनों कैरेक्टर्स में से जीतेगा कौन? एक तरफ कहां वकांडा की सेनापति, एक तरफ कहां अपने रोमियो जीनियस करोड़पति समाज सेवक आयरन मैन। तो चलो यार जान लेते हैं इनके पावर्स के साथ। लेकिन उससे पहले अगर तुम्हें लगता है कि अपने टोनी भैया जीतेंगे तो कमेंट के अंदर लव यू 3000 जरूर लिख देना। तो देखो अगर बात करें अपने ओकोए के पावर्स की तो यार ये कॉम्बैट फाइट के अंदर बहुत ही ज्यादा स्किल्ड थी, मतलब इसके पास मल्टीपल फॉर्म थे भाई। तुम जिस तरीके से इसे हैंड टू हैंड फाइट करना चाहोगी उस तरीके से तुमसे लड़ सकती है। इसी के साथ साथ ये वकांडन टेक्नोलॉजी को यूज करने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट थी और अपने वकांडन सेना डोरा मिला की ये जनरल थी। तो देखो गुरु अगर दूसरी तरफ बात करें अपने टोनी भैया के पावर, तो इनके पास तो सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी ये सब तो है ही, और वकांडा की वाइब्रेनियम को छोड़ के अगर देखा जाए तो अपने टोनी भैया टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की किए हैं। तो देखो अगर बात करें ओकोए से लड़ने की तो अपना आयरन मैन आराम से जीत जाएगा।